हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और अभी है मॉर्निंग का, सुबह का ही टाइम है। आज मंडे है तो मेरा व्रत है, मैं मंडे का व्रत रखती हूँ, तो वही मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। आज तो मेरा सुबह ही जल्दी झाड़ू पोंछा और नहाना हो गया, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। इसलिए वैसे तो मेरा होता है ना, सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं नहा करती हूँ, झाड़ू पोंछा और नहाना, कपड़े वगैरह। लेकिन आज क्या है कि मेरा व्रत है तो मैंने चाय नहीं पी है, तो जब तक पूजा नहीं करूँगी तो चाय नहीं पीऊँगी। तो फिर इसीलिए मैंने सुबह उठकर पहले झाड़ू पोंछा और नहाना ही किया है। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, और अभी बच्चे वगैरह सभी सो रहे हैं, तो मैं फिर बनाऊँगी इन लोगों के लिए नाश्ता, क्योंकि ठंड के मौसम में बिना चाय पिए तो काम करने का मन भी नहीं करता बिल्कुल भी। तो पहले मैं अपनी चाय पीऊँगी बैठकर आराम से, और उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। ये मैं इन लोगों के लिए कर रही थी खाने की तैयारी। इन लोगों को मटर वाली, आलू मटर वाली जो खिचड़ी बनती है ना, वो खानी है, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही थी। और मेरे पास थोड़ी रात की कढ़ी भी रखी है, तो उस कढ़ी को मैं दोबारा से तड़का वगैरह लगा के और अच्छे से गर्म कर लूँगी, तो ये लोग दिन में खा लेंगे। और मैं दिन में कुछ सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को मतलब खिचड़ी ही खानी है, मटर वाली आलू वाली, तो वो लोग तो नहीं खाएंगे रोटियां वगैरह। और सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाना है, तो मैं रात की जो कढ़ी रखी है उसे दोबारा से तड़का वगैरह लगा के और अच्छे से गर्म कर दूँगी, तो वो हो जाएगी उनके लिए। तो जो सब्ज़ी वगैरह है वो मैं शाम को ही बनाऊँगी, मेरा अभी व्रत है तो मेरा तो दिन का खाना नहीं है आज, तो बस वही इन लोगों की खाने की कर रही हूँ तैयारी। और ये मेरे रात को सब्जी आई थी आलू वगैरह, तो मैंने मतलब खोल के नहीं रखे थे, ऐसे ही रखे हुए थे, तो वही अभी मैंने खोल के पैकेट और आलू फैला दिए वहाँ पर, खुले कर दिए एकदम। और मेथी वगैरह आई थी तो वो तो मैंने खोल के रात में ही रख दी थी, तो वो मेथी वगैरह तो मैं दिन में बैठकर साफ़ करूँगी, क्योंकि आजकल मेथी वगैरह है ना, बारिश हो रही है तो इस करके कुछ ज़्यादा ही वैसी आ रही है। तो बस, और मेरा पानी गर्म हो गया था और बच्चों का भी नहाना हो चुका था, तो वही मैं आई थी कपड़े भिगोने के लिए। और मैं ये सारे कपड़े, ये टब मैंने नया लिया है अभी, और ये बहुत सस्ता है, 100 रुपीज़ का है ये, और काफ़ी बड़ा है, तो बस इसी में मैं कपड़े सारे एक बन जाते हैं इसमें, मतलब काफ़ी बड़ा है तो सारे कपड़े डाल दूँगी अच्छे से, मतलब डालने में बन जाते हैं। तो पहले मैं बाल्टी वगैरह में ही कपड़े वगैरह भिगोती थी, बाल्टी वगैरह में उतने नहीं, थोड़े कपड़े तो बन जाते थे पर ज़्यादा कपड़े नहीं बनते थे, तो आज तो कपड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे इधर बारिश वगैरह हो रही थी तो मैंने नहीं धुले थे कपड़े, मतलब एक दो ही कपड़े धुल रही थी, तो इस करके तो ये सारे कपड़े मैं भिगो दूंगी, और गर्म पानी है, और भिगो के इन्हें रख छोड़ दूंगी मैं, और मैं अपना उधर काम करूंगी, तब तक ये अच्छे से हो जाएंगी। भिगोने क्या है कि नहाने के बाद कपड़े वगैरह धुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत होती है, तो ये चमकता मैंने इन दिया लोगों की खिचड़ी में लगा दिया तड़का, और बस इसमें चावल वगैरह डाल के और मैं इसमें ढक्कन लगा के और 2 सीटियाँ लगा दूंगी, तो इनकी खिचड़ी बन जाएगी। और उसके बाद मेरी कढ़ी भी मैंने तड़के लगा दी है कढ़ी में, तो मेरी कढ़ी भी बन रही है, मतलब दोबारा से पूरी मैं उसको अच्छे से फिर कर दूंगी, वैसी ही हो जाएगी जैसे मतलब अभी बनाई है ताजी, तो बस ये मेरी कढ़ी बन रही है।
और इन लोगों का खाना बनाने के बाद ही मैं बाद में जाऊंगी बाथरूम में कपड़े के लिए। तो इन लोगों का हो गया था खाना, बच्चे वगैरह ने भी खिचड़ी वगैरह खा ली थी, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 12:30 बज गए हैं। आजकल टाइम भी बहुत जल्दी जाता है, मालूम नहीं पड़ता है ठंड में, क्योंकि हमारे इधर धूप वगैरह तो कुछ भी नहीं निकल रही है। सुबह से शाम तक का एक जैसा ही मौसम रहता है, और अभी 1-2 दिन में फिर बारिश बता रहे हैं। तो बस मेरा ये सब सफाई करनी है यहाँ की, और ये सारी सफाई करने के बाद फिर मैं अपने कपड़े वगैरह है जो वो साफ़ करूँगी। और क्योंकि आजकल ना काम करते करते दिन कैसे निकल जाता बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ता है, और कपड़े तो मेरे लेट हुए जाएंगे क्योंकि अभी 12:30 का टाइम हो चुका है। तो सूखेंगे, सूखते तो नहीं हैं पर मशीन में वो निकाल के डाल देती हूँ, तो थोड़ी बहुत अगर हवा वगैरह चलेगी तो थोड़े से सही हो जाएंगे। उससे क्या है कि फिर प्रेस वगैरह कर लो तो ठीक हो जाते हैं कपड़े। तो बस ये मैं धुल लेती हूँ कपड़े अपने।